लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात पर सुबह से ही सभी की नजरें बनी हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखे हमले बोले। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने ANI को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ पत्रकारों ने राहुल गांधी से अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो राहुल गांधी ने इन सवालों को पहले बीजेपी का सवाल बताया और फिर क्या कुछ कहा सुनिए। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। देखिए अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर बात झूठी निकली, वो सिर्फ भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में ये पहला मौका था जब राहुल और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखे हैं। इससे पहले 7 साल पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ मंच पर नजर आए थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडी गठबंधन का सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यूपी में 80 में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बाकी 63 सीटों पर सपा और उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, इसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा। इसके बाद चौथा चरण 13 मई, पाँचवा चरण 20 मई और छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा। इसके बाद 7वें और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को यूपी के कुछ ज़िलों में वोटिंग होगी और 4 जून को वोटिंग के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।